नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 12 फरवरी 2023 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमें सभी तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। आप कहां से और कहां से ये वीडियो देख रहे हैं वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा। इस है आज की सबसे बड़ी खबर है। नैक एक्रेडिटेशन में 5 साल के अनुभव की शर्त खत्म, यूजीसी ने नियमों में किया बदलाव। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से संबंध रखने वाले ऐसे कॉलेज जिन्होंने अभी तक नैक से मान्यता प्राप्त नहीं की है उन्हें यूजीसी की ओर से ग्रांट नहीं मिलेगी। दरअसल यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने नैक एक्रेडिटेशन के नियमों में संशोधन किया है। पहले जो भी प्रदेश में नया कॉलेज खुलता था उसे 5 साल का समय दिया जाता था, यानी नेट एक्रेडिटेशन या मान्यता लेने के लिए कॉलेज के पास 5 साल का समय होता था। लेकिन अब यूजीसी ने नियमों में बदलाव करते हुए कहा है कि पहले वर्ष में कॉलेज को ऑनलाइन मान्यता के लिए आवेदन करना होगा। ऐसा ना करने की सूरत में ना तो यूजीसी की ओर से किसी भी तरह की ग्रांट जारी की जाएगी और न ही शिक्षा विभाग की ओर से कॉलेज को कोई फंड दिया जाएगा। प्रदेश में ऐसे कई कॉलेज है जो अभी तक बिना मान्यता के चल रहे हैं। दालाघाट यार्ड में खड़े ट्रकों से बैटरी और डीजल हो रहा है चोरी, पुलिस ने एक आरोपी पकड़ा। दालाघाट में 14 दिसंबर से अंबुजा गेट पर हुई तालाबंदी के बाद अब ट्रांसपोर्टरों के लिए एक नई मुसीबत खड़ी होगी है। आलम ये कि दालाघाट के ट्रक यार्ड में हजारों ट्रक खड़े और चोर इसी बात का फायदा उठाकर आए दिन ट्रकों से बैटरी समेत डीजल पर हाथ साफ कर रहे हैं। इस बात का खुलासा शुक्रवार देर शाम को हुआ है जब एक व्यक्ति को बैटरी चोरी करते हुए पकड़ा गया है जिसे पुलिस के हवाले कर दिया गया है। वहीं अब अन्य ट्रक मालिक भी अपने ट्रकों की जांच कर रहे हैं। दूर हो गया विंटर क्लोजिंग स्कूलों की छुट्टियों का कन्फ्यूजन, हिमाचल में सोमवार से खुलेंगे विद्यालय। हिमाचल में विंटर क्लोजिंग सरकारी स्कूलों में सर्दियों की छुट्टियों को लेकर बना कन्फ्यूजन दूर हो गया है। ये स्कूल अब सोमवार 13 फरवरी से खुल रहे हैं। उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत शर्मा ने बताया कि ट्राइबल एरिया के विंटर क्लोजिंग स्कूल 15 फरवरी से खुलेंगे जबकि नॉन ट्राइबल एरिया के विंटर क्लोजिंग स्कूल 13 फरवरी से खुलेंगे। नई स्कूल जस्ट सीमेंट विवाद, मुख्यमंत्री सुक्कू ने फिर बुलाए ट्रक ऑपरेटर, सोमवार को शिमला में बैठक। हिमाचल में 2 सीमेंट उद्योगों के बंद होने के बाद से जारी विवाद हल नहीं हो पाया है। इस कारण दिल्ली से लौटते मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्कू ने 13 फरवरी को ट्रक ऑपरेटरों की फिर से बैठक बुलाई है। सोमवार को शिमला में दोपहर 3 बजे ट्रक ऑपरेटरों के साथ बैठक तय की गई है। सीमेंट कंपनी और ट्रक ऑपरेटर के बीच चल रहे विवाद को हल करने के लिए बैठक में फैसला हो सकता है। गौर हो कि हिमाचल प्रदेश में पिछले 2 महीनों से सीमेंट फैक्ट्री विवाद चल रहा है। ट्रक ऑपरेटर सोमवार 13 फरवरी को मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे। प्रदेश में 15 दिसंबर 2022 में सोलन के दालाघाट में एसीसी और बिलासपुर के बुरमाना में अंबुजा सीमेंट की फैक्ट्रियों पर ताला लटका है। ऐसे में हजारों लोगों की रोजी रोटी पर संकट आ गया है। बंद हो गया 18 कॉलेज, नए खुले 23 डिग्री कॉलेजों में से 5 ही हो रहे पास। पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल में चुनावी वर्ष में खोले गए 23 डिग्री कॉलेजों में से 18 फेल होने वाले हैं। सिर्फ 5 डिग्री कॉलेज ही मापदंडों के मुताबिक पास हो रहे हैं। शेष डिग्री कॉलेजों को सरकार यदि बंद भी ना करे तो ये बिना छात्रों के अपने आप ही बंद हो जाएंगे। शिक्षा विभाग ने नए डिग्री कॉलेजों पर पूरी रिपोर्ट बना दी और दिल्ली से लौटने के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्कू इस पर फैसला लेंगे। भाजपा सरकार के दौरान अप्रैल 2022 से चुनाव आचार संहिता तक कुल 23 डिग्री कॉलेज खुले थे। हैरानी की बात यह है कि इनमें से 5 डिग्री कॉलेजों में 0 एडमिशन है, यानी इनमें एक भी स्टूडेंट एडमिट नहीं हुआ है। इनमें हमीरपुर जिले का लवलू डिग्री कॉलेज, मंडी जिले का पांगना डिग्री कॉलेज, शिमला जिले का जुलोग डिग्री कॉलेज, सोलन जिले का चंडी डिग्री कॉलेज और रामपुर के पास खोला गया सिंगला डिग्री कॉलेज शामिल है। बिना ई के वाईसी भूल जाए किस्त, किसानों के पास 3 दिन का समय, 15 अंतिम तारीख। हिमाचल प्रदेश के हजारों किसानों को केंद्र सरकार से मिलने वाली किसान सम्मान निधि की राशि पर तलवार लटक गई है। प्रदेश के हजारों किसान ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक ई के वाईसी नहीं करवाया है। ऐसे में अब इन किसानों के पास सिर्फ 3 दिन का समय है। अगर 15 फरवरी तक ये किसान ई के वाईसी नहीं करवाते तो इन्हें केंद्र सरकार की ओर से मिलने वाले किसान सम्मान निधि की किस्त नहीं मिल पाएगी। किसानों की ई के वाई सी करवाने के लिए प्रदेश के कई जिलों में प्रशासन द्वारा तहसीलों के माध्यम से पंचायत स्तर पर कैंप भी आयोजित करवाए जा रहे हैं। ई के वाई सी करवाने में सबसे बड़ी समस्या पोर्टल के कारण आ रही है। ये साइट बहुत धीमी गति से काम कर रही है। पोर्टल पर अपडेट करने के लिए जनरेट होने वाले ई के वाई सी नंबर के लिए
कई बार तो पूरा दिन इंतजार करना पड़ रहा है। क्लर्क जेओआईटी भर्ती लटकी, 2022 में हुआ था एग्जाम, अभी तक नहीं निकला रिजल्ट। प्रदेश विद्यालय में नई सरकार के सत्ता में आने के बाद कई भर्तियां रुक गई है। कहानी है कि सरकार ने इन भर्तियों के फैसले पर रिव्यू की बात कही है और जब तक इन भर्तियों को करवाने की मंजूरी नहीं मिल जाती है तब तक रिजल्ट नहीं निकाला जा सकता है। एसपीयू में क्लर्क जेओआईटी समेत कई भर्तियां लटकी हुई है। एसपीयू के लिए 20 अक्टूबर 2022 को कमीशन हुआ था जिसकी आंसर की भी जारी कर दी गई, लेकिन अभी तक इस परीक्षा का रिजल्ट नहीं निकला है और इसके लिए प्रदेश सरकार से मंजूरी का इंतजार है। इसी तरह क्लर्क भर्ती परीक्षा के लिए भी 3 साल पहले आवेदन किए गए थे, लेकिन उसके लिए भी लिखित परीक्षा नहीं करवाई जा सकी है। एम्बुलेंस कर्मियों की लापरवाही से गर्भ में 8 माह के शिशु की मौत, आधे रास्ते में उतार दी थी गर्भवती। एम्बुलेंस कर्मचारियों की लापरवाही से गर्भ में पल रहे 8 माह के शिशु की मौत हो गई है। पीड़ित पति ने इस मामले की शिकायत पुलिस को दी और कानूनी कार्यवाही अमल में लाने की मांग की है। जिला शिमला के गांव अहनोग डा गरमालत तहसील कोपीबी के रहने वाले राजेंद्र कुमार ने बताया कि 29 जनवरी को उनकी पत्नी अनीता देवी उम्र 27 बीमार हो गई थी। ये डिलीवरी केस और महिला को बार बार दौरे पड़ रहे थे, ऐसे में उपचार के लिए नेरवा अस्पताल आया गया। जांच के बाद डॉक्टर ने महिला को कमला नेहरू अस्पताल शिमला के लिए रेफर कर दिया। नेरवा से एम्बुलेंस कर्मी गर्भवती को चौपाल से आगे 10 किलोमीटर लाए और एम्बुलेंस रोक दी। कहने लगे कि आगे बर्फ है और हमारा लौटना मुश्किल होगा। शिकायतकर्ता का आरोप है कि बर्फ नहीं गिरी थी और परिवहन और अन्य गाड़ियां चल रही थी। उन्होंने बताया कि एसडीएम चौपाल से भी बात की थी लेकिन स्टाफ ने मरीज को उतार दिया। गलत इंजेक्शन से बच्चे की मौत का आरोप, पिता ने दर्ज करवाया केस। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के कनेरिया स्थान रामपुर में 6 साल के बच्चे की मौत के मामले में पिता ने नर्सिंग स्टाफ पर गलत इंजेक्शन लगाने का आरोप लगाया है। बच्चे के पिता सुमेल सिंह ने रामपुर थाने में मामला दर्ज करवा दिया है। उन्होंने जल्द कार्यवाही करने की मांग की है। उधर सुमेल सिंह की शिकायत मिलने के बाद अस्पताल प्रबंधन ने भी इस मामले की जांच के लिए कमेटी का गठन कर दिया है। टुकू की 2 माह की सरकार का कार्यकाल, खाली खजाना, श्रीलंका जैसे हालात और कड़े फैसले लेने से जनता सकते में। हिमाचल प्रदेश में सुक्कू सरकार बनने से पहले भले ही कांग्रेस ने महंगाई पर रोक लगाने और परिवर्तन लाने का नारा दिया था, लेकिन सरकार में आकर 2 माह में ही खाली खजाने के कारण विकास कार्य अटकने लगे हैं। श्रीलंका जैसे हालात बनने के आशंका और कड़े फैसले के लिए तैयार रहने की बात कर सरकार ने लोगों को सकते में डाल दिया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, महासचिव प्रियंका गांधी, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल, राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत और प्रदेश कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला ने चुनाव प्रचार के दौरान जनता को संबोधित कर 10 घंटे बता दी, लेकिन सरकार बनने के 2 माह बाद भी ग्रंटियों के धरातल पर नहीं उतरने से जनता में रोष व्याप्त हो गया है। शनिवार यानी आज प्रदेश सरकार को सत्ता में आए हुए 2 महीने पूरे हो गए हैं। इन 2 माह में विधानसभा चुनाव के दौरान हुई घोषणाओं को पूरा होने की लोगों ने आस लगाए रखी, लेकिन एक भी ग्रंटी पूरी नहीं हो सकी है। प्रदेश में 1,36,000 कर्मचारियों को ओपीएस की अधिसूचना का अभी तक इंतजार है। महिलाओं को 1,500 रुपए प्रतिमाह देने का मामला जून तक टल गया है। विधायक निधि, स्वैच्छिक निधि और उपायुक्त फंड जारी नहीं होने से विकास कार्य लटक गया है। मुख्यमंत्री, मंत्री और मुख्य सचिव सचिवों के कार्यालय और कोठियों पर करोड़ों खर्च करने पर विपक्ष ने घेराबंदी शुरू कर दी है। सीमेंट उद्योग बंद होने से बरवाना और दालाघाट में कारोबार ठप हो गया है। आर्थिक गतिविधियां बंद होने से इन 2 क्षेत्रों में तो श्रीलंका जैसे हालात बनने लगे हैं। भाजपा सरकार के समय अप्रैल 2022 के बाद खुले 600 से अधिक संस्थान बंद होने से काम करवाने के लिए लोग घर से दूर जाने को मजबूर हो गया है। खबर स्कूल शिक्षा बोर्ड से 226 परीक्षा केंद्रों में होगी एसओएस की वार्षिक परीक्षाएं। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड राज्य मुक्त विद्यालय एसओएस की ओर से मार्च माह में संचालित की जाने वाली 8वीं, 10वीं, 12वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षाएं प्रदेश भर के 226 परीक्षा केंद्रों में होगी। जिला कांगड़ा में सबसे अधिक 61 परीक्षा केंद्रों का गठन किया गया है, जबकि जिला किन्नौर में सबसे कम 2 परीक्षा केंद्र रहेंगे। इनमें से 81 परीक्षा केंद्र निजी जबकि 145 परीक्षा केंद्र सरकारी स्कूलों में संचालित होंगे। सरकारी अस्पतालों में खत्म होगी निमोनिया से बचाने वाली वैक्सीन। प्रदेश भर के सरकारी अस्पतालों में बच्चों को निमोनिया से बचाव के लिए लगने वाली न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन पीसीबी भी खत्म हो गई है। अस्पतालों में अभिभावक बच्चों को लेकर पीसीबी इंजेक्शन लगाने के लिए पहुंच रहे मगरों ने बेरंग लौटना पड़ रहा है। 1 सप्ताह से प्रदेश भर में वैक्सीन खत्म है, मगर ये कब तक आएगी इसकी कोई जानकारी नहीं है। बच्चों को निमोनिया से बचाव का टीका न लग पाने के कारण अभिभावक परेशान हो रहे हैं।
कांगड़ा को पर्यटन, आईटी और आयुष कल्याण क्षेत्र में हब बनाने की तैयारी। कांगड़ा जिले को पर्यटन, सूचना प्रौद्योगिकी, आईटीएस और आयुष कल्याण के क्षेत्र में प्रमुख केंद्र यानी हब बनाने की मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की सोच को मूर्त रूप देने की दिशा में उद्योग विभाग ने कार्य करना शुरू कर दिया है। उद्योग और आयुष मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने इस बारे में उद्योग विभाग को राजस्व अधिकारियों के साथ चिन्हित स्थानों पर संयुक्त निरीक्षण करने के निर्देश दिए है, जिससे इन क्षेत्रों में अधिक से अधिक निवेश आकर्षित किया जा सके। फिर स्कूलों में पढ़ाएंगे 3 साल का सेवाकाल पूरा करने वाले BRCC। सूबे के विभिन्न स्कूलों में लंबे समय से खंड स्रोत केंद्र समन्वयक BRCC के पद पर सेवाएं दे रहे JVT और TGT शिक्षकों को अब शीघ्र ही अपने पैतृक कैडर में लौटकर स्कूलों में विद्यार्थियों को पढ़ाना होगा। कई मुख्य केंद्रीय शिक्षक के पद पर स्तरोन्नत हो चुके हैं, लेकिन कई अभी तक BRCC के पद पर ही डटे हैं, जबकि प्राइमरी में JVT और अपर प्राइमरी में TGT को BRCC नियुक्त करने के नियम है। पिछले 2 महीनों में 5 विधायकों के चुनाव को हाईकोर्ट में चुनौती। पिछले 2 महीनों में 5 विधायकों के चुनाव को हाईकोर्ट के समक्ष चुनौती दी गई है। 7 जनवरी 2023 को हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र से बीजरे सुरेश कुमार के चुनाव को अनिल दीवान ने चुनौती दी है। इसी तरह 11 जनवरी को करसोग से बीजरे दीपराज के चुनाव को महेश राज ने, 18 जनवरी को मंडी जिले के बल्क क्षेत्र से बीजरे इंद्र सिंह के चुनाव को प्रकाश चौधरी ने चुनौती दी है। बिलासपुर सदर विधानसभा क्षेत्र से बीजरे त्रिलोक जम्बाल के चुनाव को बम्बा ठाकुर ने और कांगड़ा के पवन कुमार काजल के चुनाव को सुरेंद्र कुमार और काकू ने चुनौती दी है। सभी विधायकों के चुनाव में पोस्टल बैलेट की मतगणना में अनियमितताएं बरतने का आरोप लगाया गया है। साथ ही प्रदेश में पूर्व सरकार की ओर से खोले गए दफ्तरों को बंद करने को चुनौती भी दी गई है। सत्ता में आती सुक्खू सरकार ने 12 दिसंबर 2022 को दफ्तर बंद करने का निर्णय लिया था। हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार अपने 2 माह के कार्यकाल में अभी तक एक भी चुनावी गारंटी को लागू नहीं कर पाई है। चुनाव के वक्त प्रियंका गांधी ने भी सरकार बनने पर पहली कैबिनेट बैठक में OPS बहाल करने और 1 लाख रोजगार देने पर काम शुरू करने का दावा किया था। अब सरकार जनता की उम्मीदों की विपरीत स्थिति स्पष्ट नहीं कर पा रही है। 5वीं गारंटी से तो बागवानी मंत्री मुकर गए थे, विरोध होने पर उन्होंने यू टर्न लिया था। भाजपा सरकार के समय खुले कार्यालय और संस्थानों को बंद करने का सरकार को पूरे प्रदेश में विरोध झेलना पड़ा है। जो सरकारी सेवाएं लोगों को उनके घर द्वार पर मिल रही थी, उन्हीं सेवाओं का लाभ लेने के लिए लोगों को अब कई किलोमीटर का सफर करना पड़ रहा है। कुछ कार्यालयों के बंद होने का मामला तो हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट भी पहुंच गया है। समर वेकेशन स्कूलों में वार्षिक परीक्षाओं के लिए SSC ने तैयार किए प्रश्न पत्र। समग्र शिक्षा अभियान SSC ने समर वेकेशन स्कूलों में 3 मार्च से शुरू होने वाली परीक्षाओं के लिए प्रश्न पत्र तैयार कर लिया है। विभाग ने 1, 2, 3, 4, 6 और 7वीं कक्षा के मुख्य विषयों के प्रश्न पत्र तैयार किए हैं, जिन्हें अब डाइट केंद्रों में भेज दिया गया है। डाइट केंद्रों को इन प्रश्न पत्रों को प्रिंट करवाने का जिम्मा सौंपा गया है। फरवरी माह के अंतिम सप्ताह में स्कूलों के प्रश्न पत्र उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। वेदर अपडेट। हिमाचल की चोटियों पर ताजा हिमपात, शिमला फिर रह गया सूखा। हिमाचल के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में एक बार फिर ताजा हिमपात हुआ है। ताजा हिमपात के कारण चोटियों ने फिर से सफेद चादर ओढ़ ली है। वहीं प्रदेश की राजधानी शिमला में लोगों को अभी तक बर्फबारी और बारिश का इंतजार है। शिमला शहर में इस सीजन में अभी तक बर्फबारी नहीं हुई है। ऐसे में शिमला वासियों पर बर्फबारी की चाह में शिमला घूमने आने वाले पर्यटकों को निराशा हाथ लगी है। शनिवार को हिमाचल की चोटियों पर ताजा हिमपात दर्ज किया गया है। सबसे अधिक बर्फबारी कुल्लू के रोहतांग टॉप और आटा टनल में हुई है। किन्नौर, लाहौल स्पीति और कुल्लू जिले में बर्फबारी हुई, लेकिन अन्य जिलों में ना तो अच्छी बारिश हुई और ना ही बर्फबारी। स्थिति है कि कुफरी और नारकंडा में भी 1 से 2 बार ही हल्का हिमपात हुआ, जबकि पर्यटन स्थल कुफरी और नारकंडा की पहाड़ियां 2 से 3 महीने के लिए बर्फ से ढकी रहती थी। सीमेंट विवाद। बरवाना में ट्रक ऑपरेटर अनिश्चितकालीन धरने पर सोमवार को फिर होगी बैठक। कई दौर की वार्ता के बाद भी प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार अदानी कंपनी के साथ चल रहे सीमेंट मारवाड़ा विवाद को 69 दिन बाद भी हल नहीं कर पाई है। अब गुस्सा है। बरवाना के ट्रक ऑपरेटरों ने शनिवार से अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। ट्रक ऑपरेटर प्रदेश सरकार और अदानी कंपनी के खिलाफ BDTS भवन में तंबू लगाकर धरने पर बैठ गए हैं। इन सीमेंट फैक्ट्रियों से माल रोड एक्सीडेंट कार्रवाई की टक्कर में 12वीं के छात्र की मौत, दूसरा घायल। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा जिला पुलिस नोटपुर की रैनचौकी के बराल क्षेत्र में शनिवार दोपहर कार्रवाई की टक्कर में बरवाड़ा निवासी युवक
अस्मित की मौत होगी। वहीं बाइक के पीछे बैठा उसका दोस्त ईशान चंबियाल पुत्र रसपाल निवासी देहरी गंभीर रूप से घायल हो गया है। उसी वक्त कंपनी ने बिलासपुर जिले के बरमाना में चल रही